कि क्या पक्षियों को पिंजरे में रखने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आजकल हर कोई पेट रखता है, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जानना कि उनका जो सवाल भी है कि पक्षियों को रखने से, और मैं थोड़ा इसमें ऐड ऑन करूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग जानवर भी आजकल रखते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनको बांध के, इन्होंने साफ मेंशन किया कि पक्षियों को पिंजरे में रखने से, तो पिंजरे में बंद करके रखने से। बेटा एक मंदिर है हमारे दक्षिण साइड में है कहीं, मैं जगह का नाम भूल गया, वहाँ एक बाबा रहते हैं, वहाँ उन्होंने इतना बड़ा बाड़ा बनाया हुआ, वो पिंजरे की तरह ही है और तरह तरह के तोते रखे हुए हैं, वर्ल्ड से के अलग अलग तरह के तोते आकर के वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो तोते स्वयं नहीं उड़ के जाते, बाबा के कंधे पे खेलते, सब जगह खेलते हैं। जहाँ इनका परिवार बस जाए, जहाँ ये सब इकट्ठे हो जाए, जहाँ बहुत सारे पक्षियों को बिना मेहनत किए खाना पीना भी मिले, तो बेटा अब ये रखने, अगर उनको तुमसे प्यार हो गया तो पाप नहीं है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती तुमने घर की सजावट के लिए रखे हुए और छोटे से पिंजरे में डाल के रखा हुआ है जहाँ पर पंख फैलाने तक की जगह ना हो, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर साइंटिफिक में आ जाते हैं, कौन से पक्षी, कौन सी चिड़ियाएं, क्या उन पंछी और चिड़ियाओं का जो ग्रह से वो देखी जा रही हैं, क्या वो तुम्हारा ग्रह ठीक है? एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़े, मैं उनके घर पे गया पंजाब में, तो मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी और देख करके मैंने देखा उन्होंने तोता पाला हुआ था। मैं भाई इसे उड़ा दे, मैं कहीं ऐसा ना हो ये तेरे को भी अपनी उड़ान के साथ ले जाए, नहीं समझे वो। अगली बार खबर आई उनको किडनी डैमेज होने लग गई, इलाज कराया नहीं ठीक हो रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई तोता उड़ा दे, कहता है ऐसे कैसे उड़ा दूँ, मेरे बच्चों का प्रेम है, ये है वो है, घर वाले इसे बच्चों की तरह रखते हैं, मैं नहीं उड़ा सकता। मैं ठीक है, जब सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैंने सख्ती के साथ उसके बेटे को और पत्नी को बोला, मैं बेटा सबसे पहले तोता उड़ा दो, और मैं कहा ये उपाय तुम्हें हर सूरत में करने हैं, हर सूरत में करने हैं। उनका बेटे को शाबाश है, उनकी पत्नी को शाबाश है, बेटा रोज 40 किलोमीटर दूर जाकर के भी उपाय करके आता रहा और तोता उन्होंने उसी दिन उड़ा दिया। जिस दिन तोता उड़ाए उसके बाद वो दर्शन करने गए थे भोलेनाथ के, वापसी आते हुए रास्ते में बेच रहा एक तेल की शीशी वाला उनको ऐसा मिला, उसने तो उनके जोड़ों के दर्द खत्म कर दिए, उनको जोड़ों के दर्द भी हो गए थे, और उसी दिन ही जिस दिन पहली बार लगाया, धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहे चमत्कारिक तरीके से तू ठीक हो रहा है, जो क्रेटनाइन कितना बड़ा हुआ था वो करते करते सिर्फ 5-6 पे आ गया, समझ गए? कहते ये हुआ कैसे? कहते जी आपकी दवाई से हुआ। कहते हम तो दवाई पहले भी दे रहे थे, हम तो खुद परेशान थे कि तू ठीक क्यों नहीं हो रहा। कहते ये कैसे हुआ? फिर उसने कहा, कहता जी डी वशिष्ठ जी ने उपाय दिए थे। फिर उसने मुझसे पूछा, कहता आपने दवाइयों ने, आपके उपायों ने चमत्कार कर दिया है, मैं ठीक हो गया। मैं कहा नहीं, मैं ये जो तूने तोता उड़ाया है ना इसके कारण तू ज़्यादा ठीक हुआ, बाकी उपायों से ठीक हुआ है। तो बेटा पक्षी मैं बता रहा हूँ, जब आपके पास इतनी बड़ी जगह है कि परिवार इकट्ठा कर सके पक्षियों का, तो पालो, उनकी दोस्ती तुम्हारे साथ होनी चाहिए, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो उड़ने चाहिए, उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते हैं। और नहीं तो मेरा एक सुझाव है कि कभी भी किसी को ऐसी बुरी आदतें मत डालो कि वो अपने बलबूते जी ना सके। जब आप पक्षियों को पाल के अपने पास रखते हो, उनका जो एक नेचुरल खाना खाने का प्रोसेस है, ढूंढने का प्रोसेस है, उसी से तो वो तंदुरुस्त रहते हैं, उसी से तो वो अपने जीवन में जिज्ञासा है, खुशी है, वो सब कुछ भोगते हैं। आप जब वो छीन के इनको पिंजरे में डालते हो ना, वो नेचुरल प्रोसेस उनका ख़त्म हो जाता है, उनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है, उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, इसके कारण हो सकता है वो अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते, क्योंकि उड़ते हुए पक्षी ज़्यादा लंबा उड़ते हैं और ज़्यादा लंबा जीते हैं, और पिंजरे में बंद पक्षी ज़्यादा लंबा जी नहीं सकता। इसलिए हो सके तो नाक पिंजरे में बंद करो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.